सकते हैं, जैसे यूपीपी से जो कि 21 जून 2 को पेपर होगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें क्या पढ़े लास्ट टाइम कि मतलब हमारा हो जाए। तो करीब मतलब 150 क्वेश्चन पेपर वन में रहेंगे, और सेकंड पेपर जो कि CSAT जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, तो उसमें मतलब यहाँ पर दिया गया, तो एक हम स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, इसको आप पढ़ के जाएंगे तो शायद आपका का मतलब हो जाएगा। मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर मतलब पर्यावरण अध्ययन करीब 20 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, रही बात ये 20 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन भी आप कर लीजिए, उसके विज्ञान भी 18 है, मतलब यहाँ पे मतलब रही बात भूगोल से 15, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण के पर्वतों का सही क्रम है, ऐसे भूगोल में आ जाएगा। विज्ञान मतलब पूछते अलग तरीके से, जैसे मतलब ह्यूमन सेल्स वगैरह ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सब टोटल, क्योंकि हमने उसको टोटल मतलब उसके विषय में डिस्कस करना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पे इतिहास से तो बहुत यहाँ पे कूट करके देगा कि ये युद्ध कब से कब हुआ, तो यहाँ से मतलब मिलाइए थोड़ा सा मतलब लेवल बहुत हाई रहेगा, तो यहाँ पे इतिहास से 15। और रही बात करंट अफेयर्स के लिए, आप लक्ष्य दृष्टि घटना सर टोटल तीनों देख लीजिएगा, तो वो थोड़ा यूट्यूब से भी सर्च करके पढ़ लीजिएगा, तो 15 क्वेश्चन यहाँ। रही बात इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, वर्तमान में क्या चल रहा है स्थिति, मतलब इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन, ये सब टोटल देखना पड़े। रही बात यूपी स्पेशल, तो करीब 8 से 10 क्वेश्चन कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत मतलब आ जाएगा, कि करीब कभी कभी देता भी है, कभी कभी एकदम नहीं देता, करीब 8-10 लगभग रहेगा, तो मिला जुला के 150 क्वेश्चन में से आप 115 आराम से कर देंगे तो आपका हो जाएगा। रही बात तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में 20, पर्यावरण ये भी छोड़िएगा, विज्ञान क्योंकि ये सब मतलब रटा रटा चीज़ होता है, इसके बाद भूगोल में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इतिहास में हो सकता है, तो करीब 15 क्वेश्चन ये रही बात करंट अफेयर्स में, तो 15 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी, 6 से 7 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से 8 से 10 क्वेश्चन, उसके बाद अदर जो कि क्वेश्चन रहता है, तो फिर उसको भी आपका रही बात CSAT जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, तो CSAT में हिंदी में रस छंद अलंकार वाक्य शुद्धि ये सब आता है, तो ये टोटल आपको अर्धविराम अल्पविराम पूर्ण विराम ये सब जो चिन्ह वगैरह होता है कि अर्धविराम कैसे होता है, अल्पविराम का चिन्ह क्या होता है, ये सब पहचानना आना चाहिए। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय ये सब जो होता है, कारक विभक्ति वचन, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद ये सब टोटल मतलब ये रहेगा। उसके बाद गणित में आर्यस अग्रवाल सर को पूरा फॉलो कर लीजिएगा, मतलब किसी पर्पज यहाँ पे पब्लिकेशन मतलब एक जनरल सा क्राइटेरिया ताकि हो जाए किसी का मतलब नाम लेके कि ये सब ये बुक बढ़िया है, ये ऐसा मतलब ना मतलब यहाँ पे मतलब इसलिए हम नाम ले रहे हैं कि मतलब यहाँ पे लोगों का हो जाए, तो आर्यस अग्रवाल। रही बात इंग्लिश जो इंटर का ग्रामर वगैरह होता है, अलंकार वगैरह पहचानना, सिमली ओनोमेटोपोया ये सब देख लीजिएगा, उसके बाद जैसे मतलब ये भी पूरा तो दे दिया तो उसमें से पहचान के छाटना वगैरह कैसे कैसे यहाँ वाक्य शुद्धि वगैरह इंग्लिश में भी टोटल आता है। रही बात रीजनिंग, तो मतलब आप बना ही लेंगे कि पासा पासा घड़ी ये सब मतलब एक जनरल से क्राइटेरिया इतना लेके चलेंगे तो आपका मतलब UPPCS में होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर आज के लिए इतना है, तो बने रही हमारे इंडिया, तो जय हिंद जय भारत।